दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे कैसे अपने फ्री फायर गेम प्ले वीडियो फेस कैम के साथ रिकॉर्ड करके फेस कैम का बैकग्राउंड का आप कैसे आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि पीछे आप मेरे देख सकते हो बैकग्राउंड पे सिल्वर प्ले बटन, ये जो वॉल है इसको आप कैसे अपने पूरा ही रिमूव कर सकते हो। और जैसे कि फ्री फायर गेम प्ले वीडियो में आप बैठा देंगे किसी भी कनार पे, जैसे लगेगा ये फ्री फायर के अंदर से ही बैठ बैठ के गेम प्ले कर रहा है। जैसे कि दोस्तों लगेगा ये जो फ्री फायर की गेम प्ले है ये कंप्यूटर में किया गया है या तो लैपटॉप में किया गया है। तो दोस्तों अगर आपके पास स्मार्टफोन है, आजकल स्मार्टफोन से क्या 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 नहीं होता, बहुत सारा चीज़ जो कि आपको स्मार्टफोन से ही हो जाता है। अगर आपके पास दो स्मार्टफोन है तो काफ़ी आसानी से आपने एक फ्री फायर फेस कैम गेम प्ले वीडियो वो भी एक प्रोफेशनल तरीके से बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। उसके बाद उसी वीडियो को आप सेव करके किसी भी जगह पे आप अपलोड दे सकते हो, चाहे किसी भी जगह पे आप शेयर कर सकते हो। जैसे लगेगा सबको क्या गेम प्ले वीडियो है बहुत ही अच्छा खासा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सारा डिटेल्स बताऊंगा। और दोस्तों इस वीडियो को आपको बनाने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत है, सिंपली है दोस्तों आपको दो मोबाइल का ज़रूरत है। जैसे मेरे हाथ में एक मोबाइल है और एक जो है यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रहा है, और इसके साथ आपको एक ग्रीन कपड़ा होना चाहिए। आपके पास जो भी ग्रीन कपड़ा है आप इससे आप लीजिए, इसको आप सिंपली यहाँ से आप पीछे टोटली आप ढक दीजिए ताकि पीछे का जो वॉल जो भी है आपको ना दिखाई दे, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर वॉल को पूरा ही यहाँ पर सटा दे रहा हूँ, तो ऐसा करके आपको पीछे का जो ग्रीन कपड़ा है तो आपको ऐसा करके आपको दे देना है। बस उसके बाद आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों एक चीज़ आपने, ये जो ग्रीन कपड़ा है आपको अगर आपके पास ग्रीन कपड़ा है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से भी ये जो ग्रीन स्क्रीन है आपको मिल जाता है, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, और इसका ज़्यादा कुछ प्राइस भी नहीं है, वो 200-300-400-500 के अंदर ही ये हो जाता है, ठीक है। तो मैंने बहुत दिन पहले ये ख़रीदा था। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको करना क्या है, एक ग्रीन स्क्रीन को आपको पीछे ऐसे लगा देना है, और इसके बाद आपके हाथ में जो मोबाइल है इसमें आपको एक स्क्रीन रिकॉर्ड एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सिंपली स्क्रीन रिकॉर्डिंग को चला के आपको गेम प्ले करना है, ठीक है। गेम प्ले करना है, ज़्यादा से ज़्यादा गिल किल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बुया कीजिए, जो भी है आपके हिसाब से आप गेम प्ले बोल बताइए कीजिए, और आपके जो गेम प्ले को रिकॉर्ड यहाँ पर रिकॉर्ड होगा इसी मोबाइल में, और उसी मोबाइल में आपके जो फेस कैम है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। बस आपके पास दो वीडियो बन जाएगा, एक फेस कैम के वीडियो आ जाएगा और एक इस गेम प्ले का वीडियो हो जाएगा। तो दोनों वीडियो को आपको सिंपली एक ही मोबाइल में आपको लाना है। इसके बाद चलिए काइन मास्टर से हम इसी वीडियो को एडिट करके फाइल पे सेव करेंगे। तो चलिए फ्रेंड कैसे देखते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर काइन मास्टर पे आ गया, और सिंपली काइन मास्टर यहाँ पे हम प्रोजेक्ट में सिलेक्ट करेंगे, प्लस वाला आइकन में क्लिक करके सिंपली यहाँ पर 16.9 फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, और इसके बाद जो भी हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग में गेम प्ले किया उसी गेम प्ले वीडियो को यहाँ पर हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया था, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग फोल्डर में आएंगे। और ये रहा गेम प्ले वीडियो, तो गेम प्ले वीडियो हमने यहाँ पर दिया, छोटा सा हमने एक पार्ट को हमने रिकॉर्ड किया क्योंकि आप लोगों को दिखाने के लिए। सिंपली इसके बाद लेयर पर क्लिक करेंगे, वो जो हमारा फेस कैम है उसको लिए हम लेयर पर क्लिक करेंगे काइन मास्टर पर। लेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मीडिया ऑप्शन आएगा, मीडिया पे जैसे ही क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर है ओपन कैमरा से हमने रिकॉर्ड किया था, तो ये रहा वीडियो और कुछ इस तरह का है। इसी वीडियो को हम ले लेते हैं, यहाँ से जो हमने ग्रीन स्क्रीन को यूज़ किया था टोटली, जैसे आपके से बात करते ग्रीन स्क्रीन को यूज़ किया वही ग्रीन स्क्रीन वाला पार्ट यहाँ पर हम ले लेंगे। तो इसके लिए सिंपली हम यहाँ पर कट लगा देते हैं और वीडियो को टोटली इस साइड में ले लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे हम यहाँ पर ले रहा हूँ, तो यहाँ से हमने वीडियो को कट लगाया, तो अभी पूरा पूरी यहाँ पर है। तो इसी वीडियो को हम एक बार टच करेंगे, कांची वाला ऑप्शन में आएंगे और इस लेफ्ट साइड में टच कर देंगे और टोटली वीडियो को हम इस साइड में लाएंगे। तो दोस्तों आपको एडजस्ट कर लेना होगा, कैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वीडियो को आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हो और जैसे ही आपने फेस कैम को रिकॉर्ड कर रहे हो उसी टाइमिंग को आपको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना होगा। इसके बाद सिंपली यहाँ पर अगर आपने थोड़ा मोड़ा अगर क्रॉपिंग करना है तो इसी वीडियो को एक बार यहाँ पर टच कीजिए। इसके बाद सिंपली क्रॉपिंग वाला जो ऑप्शन है सिंपली ये रहा, क्रॉपिंग वाला ऑप्शन में आइए और यहाँ से जो आपने जो आउटसाइड दिखा रहा है उसको आप सिंपली कट कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद सिंपली राइट चिन्ह में क्लिक कर दीजिए।
यहाँ से अभी आपको करना क्या होगा, यहाँ पर पीछे अभी ग्रीन को रिमूव करने के लिए सिंपली उसी वीडियो में टच कीजिए। इसके बाद क्रोमा क्यू जो ऑप्शन है इसमें टच जैसे करेंगे इसको आप इनेबल कर देंगे और आपके जो पीछे जो यहाँ पर जो ग्रीन है ये हट जाएगा। दोस्तों बाई चांस मान लीजिए आपके पीछे का बैकग्राउंड नहीं हट रहा है तो उसी वीडियो को एक बार टच करके आपको क्रोमा क्यू ऑप्शन में आ जाना है। नीचे आपको के ई कलर बोल का ऑप्शन मिलेगा, इसे के ई कलर में टच कर देना है। आपको पीछे जो बैकग्राउंड कलर है ग्रीन वाला वही ग्रीन वाला कलर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद वही वीडियो को टच करके अपने जो के ई का जो ऑप्शन रहता है ये दोनों ऑप्शन ऊपर और नीचे इसकी दोनों को थोड़ा बड़ा घटाना है तो आप देखेंगे आपके चेहरा का व्हाइट हो जाएगा और पीछे का बैकग्राउंड काला हो जाएगा। तब समझना कि आपके जो बैकग्राउंड है टोटली रिमूव हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा हमने कलर को एडजस्ट कर लिया। इसके बाद सिंपली इसको हम सिंपली छोटा करेंगे और इसी कन्नार पर हम बैठा देंगे और इसके बाद सिंपली राइट चिन्ह में क्लिक कर देंगे। आप एक बार गेम प्ले करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि लग रहा है कि मैं पूरा ही मोबाइल के अंदर ही गेम प्ले के अंदर ही मैं बैठा हूँ और जैसे कि पीछे हमारा बैकग्राउंड सब कुछ हट चुका है ग्रीन इसके मन से। तो दोस्तों कुछ इस सब से आप बहुत ही आसानी से अपने गेम प्ले वीडियो फेस कैम के साथ मोबाइल से ही स्मार्टफोन से रिकॉर्ड करके अपने किसी भी जगह और इसके बाद सेव करने के बाद आप किसी भी जगह पर अपलोड दे सकते हो। सेव करना बहुत ही आसान है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको मैंने छोटा सा क्लिप यूज़ किया, आप चाहे तो टोटली पूरा वीडियो को आप बना सकते हो, गेम प्ले वीडियो को टोटली बना सकते हो। और इसके बाद सेव करने के लिए सिंपली आपने शेयर वाला ऊपर में शेयर वाला ऑप्शन देख सकते हो ऊपर में, तो शेयर वाला ऑप्शन में होकर टच कर देना है या तो आप सिंपली बैक कर देना। बैक करने के बाद इसी वीडियो को एक बार टच कर देना तो यहाँ पर आपको शेयर वाला ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली शेयर वाला ऑप्शन में जैसे टच करेंगे यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑप्शन में टच करना होगा। इसके पहले मैं आपको कुछ क्वालिटी के बारे में बता दूँ, यहाँ पर आपको 1080 क्वालिटी मिलेगा, 720 क्वालिटी मिलेगा, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही अच्छा क्वालिटी आपको मिलेगा वीडियो के में क्वालिटी, ठीक है। तो मैं फुल HD 1080p रखता हूँ। उसके बाद एक्सपोर्ट ऑप्शन में क्लिक करके इसी वीडियो को मैं एक सेव कर लेता हूँ अपने फाइल पे और अपने फाइल पे सेव हो जाएगा। उसके बाद बहुत ही आसानी से इसी वीडियो को आप शेयर कर सकते हो और जैसे भी लगेगा कि ये कंप्यूटर से खेला गया है पूरा एकदम प्रोफेशनल ऐसा कुछ लगेगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएंगे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अगर अपने चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइन बेल आइकन को दबा दीजिए, जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा चैनल पर आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर से एक नया वीडियो के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद। तो ये हो गया ग्रीन कपड़ा के काम। ग्रीन कपड़ा का काम यही है, जब भी मैं काइनमास्टर पे ये जो वीडियो डालूँगा और ग्रीन कपड़ा जो कि यहाँ से रिमूव कर देता है, तो इसलिए ग्रीन कपड़ा को लगा लेना है। मेरे पास दो वीडियो है, इसके बाद आगे मैं काइनमास्टर में आपको दिखा देता हूँ आपको सेटिंग कैसे करना है, वीडियो को एडजस्ट कैसे करना है। इसलिए फिर काइनमास्टर